हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर द वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस सिरवा मोटर की, जो हमने लगभग 2.5 महीने पहले लगाया है, 2-2.5 महीने पहले। तो इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिला है और इसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले, क्योंकि हमने उसमें बोला था कि ये मोटर लगाने के बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसके बारे में हम फुल रिव्यू करेंगे इस मोटर का, कि क्या है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बेटर है या नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट मुझे जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिला, 2.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसका आया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है 60% जो है इलेक्ट्रिसिटी बचा देता है। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ये जब चलता है, जब तुम चलाएंगे, इसका पैंडल दबाया, चला, वापस ऑफ हो गया। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, इसी वजह से जो है ये मोटर लगाना काफ़ी बेटर है। और आप अगर इसको लगा रहे हैं तो ये मान के चलें कि 3500 के आसपास ये मोटर लग जाता है। इसमें मोटर बद्धा सब कुछ रहता है और इस मोटर का नाम सिरवा कंपनी का मोटर है, काफ़ी बेटर कंपनी है और काफ़ी अच्छा चलता है, बिना आवाज़ के नीचे वाइब्रेट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, वर्क और अच्छा। स्पीड इसमें जो है वो 52 की अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, तो बहुत बेटर मुझे लगा। मैंने मेरी कंपनी के अंदर सारे मोटर, जितनी मशीनें सब लगी हुई हैं, ये सारे मोटर मैंने चेंज कर दिए हैं और एक भी मोटर मैंने अभी इसमें जो है वो, जो बड़े वाले मोटर आते थे जो नीचे लगते थे, जो कंटिन्यू चलते रहते थे, वो मोटर मैंने सारे हटा दिए और यही मोटर मैंने लगाए हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने मिला है। मैं लगभग 5000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी भरता था महीने के लिए, अब भी मेरे को कम से कम 2500 रुपये आ रहा है, हर महीने 2500 रुपये के आसपास मुझे लाइट बिल भरने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगभग 2500 रुपये का बेनिफिट हर महीने हो रहा है। तो ये अगर आप लगाते हैं और आपका काफ़ी बड़ा कारखाना है, बड़ी कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। और इसको लगाएं और लगाने के बाद आपको रिज़ल्ट आपके सामने आएगा कि हाँ, मैंने लगाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक मोटर लगाने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक मोटर तो मालूम ही नहीं पड़ेगा आपने क्या लगाया क्या नहीं। अगर आप बदली कर रहे हैं तो 5-7 मोटर बदली करें, या फिर आपके कंपनी के अंदर जितनी मशीनें हैं वो सारी मशीनों के मोटर बदली कर दें, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने यही चीज़ें बताने के लिए जो है वो खास करके इस वीडियो को बनाया मैंने, कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे और आप लोग जानें कि ये मोटर काफ़ी बेटर है, आप लगा सकते हैं बिना हेडेक, बिना टेंशन के। हाँ, ये है एक थोड़ी सी तकलीफ़ इसके अंदर, ये आती है कि कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ इसमें जो है टेक्नोलॉजी ऐसी दे दिए हैं कि ये तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर, या तो इसका मैकेनिक काम करेगा। अच्छा, जो नॉर्मल मोटर होता है उसको हम लोग खुद खोल के थोड़ा बहुत उसका जो रबड़ होता है, ये है वो सब, वो सारी चीज़ें बदली कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके अंदर सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। तो इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो सीधा आपको लेके जाके चेंज कराना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि खर्चा थोड़ा लंबा जाता है, उसमें 500, 400, 300 रुपये में हो जाता है, इसमें 1000-1200 रुपये जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में क्या होता है, अचानक से, सारे मोटर में तो नहीं होता है लेकिन किसी किसी मोटर में ये जो है वो चलते चलते बैठ जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है और ऐसे उल्टा चलने लगेगा, झटका लेने लगेगा। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं किसी किसी मोटर में, क्योंकि मेरे एक मोटर में ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको बनवा के लिया है। लगभग मेरा जो है वो 1200-1300 रुपये खर्चा हुआ था, लेकिन उसके बाद से मेरे सारे मोटर जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बस वो एक मोटर में प्रॉब्लम आई थी और मुझे वो खर्चा करना पड़ा। तो कहने का मतलब भाई, अब इंसान ही है, 5 लोगों में एक आदमी सही नहीं होता है। तो वैसे ही 5 मोटर अगर लगाया है तो एक मोटर में कुछ 19-20 निकल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि वो सही हो जाता है। तो आप भी लगाएं और इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आप भर रहे हैं, अगर 12000 रुपये अगर ये सारी चीज़ें बदल देते हैं, तो आपको मान के चलें कि 6000 रुपये के आसपास लाइट बिल भरने के लिए आएगा। ये आप लगा के देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में यही बताना था। और अगर इस मोटर के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ आपको पता करना है, तो अच्छा, मेरी एक दूसरी वीडियो मेरे ही चैनल पे जो मैंने सेटअप किया है, अगर उसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो आप मेरे उस चैनल, उस वीडियो पे जा सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं, हमारे इस चैनल पे ब्लॉग भी आता रहता है, मतलब आप समझे कि जो नॉलेज की चीज़ें होती हैं लगभग वो डालते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी हमारा ये चैनल ब्लॉग के लिए है। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।